मुख्तार अंसारी की मौत के बाद से कई बड़े नेताओं के गाजीपुर आने का सिलसिला भी थमा नहीं है। अखिलेश यादव गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार से मिलने पहुंचे हैं। बताया ये जा रहा है कि वो मुख्तार की कब्र भी जा सकते हैं। मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। पहले से भी वो सांसद है और फिलहाल ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अखिलेश यादव के काफिले की तस्वीरें दिखा रहे हैं। गाजीपुर में फिलहाल अखिलेश यादव, मैं सीधे अपने सहयोगी अमित का रुख करूंगी। अमित, वोटों की मजबूरी है ये? या बिल्कुल रीमा, ये वोटों की मजबूरी है। यही वजह है कि मुख्तार अंसारी के मौत के बाद से राजनीति थमने का नाम ले रही है, नहीं ले रही है। विपक्ष के नेता लगातार मुख्तार अंसारी के कब्र पे जाकर फूल चढ़ाते हैं, मुख्तार अंसारी के जाकर परिजनों से मिलते हैं। और चूंकि अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार है और मुख्तार अंसारी के लेकर कहा जा रहा है कि खासतौर से पूर्वांचल का जो वोट बैंक है उसे हथियाने, मुस्लिम वोट बैंक उसे हथियाने की ये पूरी कवायद है। और आज अखिलेश यादव अभी मुख्तार अंसारी के घर पर पहुंचे और ये भी कहा जा रहा है कि मुख्तार के कब्र पे जाके अखिलेश यादव फूल चढ़ा सकते हैं, जिससे एक मैसेज जो है पूरे पूर्वांचल में जाए। देखिए, गाजीपुर से अफजल अंसारी चुनावी मैदान में है, आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है और चचेरे भाई हैं अखिलेश यादव के, धर्मेंद्र यादव भी अभी कुछ दिनों पहले मुख्तार अंसारी के कब्र पर जाकर फूल चढ़ा के आए। तो जाहिर तौर पे लगातार हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता हर दिन कोई ना कोई पहुंचता है, मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात करता है, मुख्तार अंसारी के कब्र पर जाकर फूल चढ़ाते हैं। तो जाहिर तौर पर जो राजनीति है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है मुख्तार अंसारी के मौत मामले को। और लगातार हम मुख्तार अंसारी के परिजनों की तरफ से देख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के मौत को लेकर किस तरीके से सरकार पर हमला किया जा रहा। हालांकि सरकार ने साफ तरीके से इस पर जांच बैठा दी है, जिस तरीके से जुडिशियल कस्टडी में मौत हुई है और फिलहाल जो है मुख्तार अंसारी के घर पे अब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। जी जी, फिलहाल शुक्रिया अमित। तो ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और जो मैं आपके सामने सवाल भी उठा रही थी कि किसी मुख्तार को माफिया, कोई आदमी, कोई शख्स, कोई राजनेता नहीं बनाता, बल्कि कोर्ट के जरिए जो आदेश हुआ और कई मामलों में दोषी करार हुआ उसके बाद माफिया। ये तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये स्याह सियासत है जिसमें वोट बैंक की राजनीति चरम पर होती है और यही वजह है कि चाहे ओवैसी हो, अखिलेश हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये सब अलग अलग वक्त में जा रहे हैं। तो पूर्वांचल की वोटों पर निगाह है। कुछ दिन पहले AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी भी गाजीपुर पहुंचे थे। उन्होंने मुख्तार अंसारी के परिवार से उसके पैतृक गाँव जाकर मुलाकात की थी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भी मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात कर चुके हैं और ये वही लोग हैं जो मौत को लेकर सवाल भी उठा चुके हैं। हालांकि इस बीच जांच प्रक्रिया एक तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन जो जनाजे के वक्त में जो काफी संख्या में मुख्तार के मुरीद, मुख्तार के लोग पहुंचे, उस पर कहीं ना कहीं इन तमाम राजनेताओं की निगाह इसलिए है क्योंकि मौसम चुनावी है।